हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस वो सब छोड़ो, सबसे पहले तो आपको हैप्पी छोटी होली। ठीक है गाइस, आज 7 तारीख है तो आपको पता ही होगा कि भाई आज छोटी होली है। जो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि भाई मैंने जॉब पकड़ रखी है कंप्यूटर हार्डवेयर की, तो वहीं पर जाके दिखाता हूँ, यहाँ मिलवा देता हूँ सबको। ठीक है, और अगर परमिशन हुई तो मिलवा पाऊँगा। तो चलो भाई बिना देर के चलते हैं। ठीक है, तो चलो गाइस परमिशन मिल गई है सबको दिखाने की, पहले ही शर्मा गए। तो गाइस ये सब है, मतलब जहाँ पे अभी मैं काम कर रहा हूँ ये भैया वगैरह हैं, तो इनसे मिलो सबसे, हेलो कर दो। मैम आप भी, भाई आप भी हेलो कर दो। तो गाइस यहाँ पे होली की पार्टी हो रही है, पार्टी हो रही है। चलो भाई पहले खाते पीते हैं फिर मिलते हैं। तो चलो गाइस अब सभी खाते हैं साथ में मिलके। गाइस आप लोगों के मुंह में पानी आ रहा होगा, बट सॉरी। और भाई ये देखो, मैंने काम करते करते थोड़ी छोटी सी वीडियो बना ली थी कि ताकि आपको थोड़ा सा कुछ दिखा सकूं। बाकी तो और भी काम है, बहुत हार्डवर्क है इसमें, इस फील्ड में, बट कोई दिक्कत नहीं है यार, क्या करें, अब करना पड़ता है। और गाइस ये आपके लिए जिनसे मैं नहीं मिल सकता होली वाले दिन। आप लग रहा है गुलाल होली का, थोड़ा सा आप लगवा लो, थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा लगवाए नहीं भाई। और कौन, आप लगाओगे? मैम भी लगा रही है प्योली, आपके नाम पूछ के रहता है, पूछ के भी लगाते भाई। मैं तो पूछ के लगा रहा हूँ क्योंकि मना कर दिया था ना सर ने भी, और उन दूसरे वाले सर ने, कौन से सर ने, आपको भी चले गए, मैंने आ गए ऐसे से नहीं। आप लगवा लो सर, तो रोज रोज थोड़ा सा गुलाल लगवा लेने में होली खेलते ही होली आती होली। आ जाओ भैया, आओ जल्दी आओ, अरे जल्दी आओ, अगले का बच्चा का मुंडे, आ जाओ यार, तुम भी ऐसी बात कर रहे हो चलो भाई अब चलते हैं। चलो तो गाइस होली तो बन गई सबकी, अब जा रहे हैं भाई अपने अपने घर पे, हाफ डे है ना तो जल्दी जा रहे हैं, और दिन तो भाई 7 बजे जाते हैं, तो आज जल्दी जा रहे हैं। यहाँ पे सब खड़े हो गए जाने के लिए घर पे, हम भी जाएंगे, सबको पूजा करनी है घर पे, मैं भी जाके पूजा करूँगा। और हाँ आज होली का दहन है, होली का दहन। और गाइस मैं एक बात और बता दूं आपको, मैं शायद ही शब्दों में बयां कर पाऊंगा, ये लोग इतने बहुत अच्छे हैं ना, मतलब बहुत ही अच्छे, जैसे बड़े भाई और बड़े बहन जैसे ट्रीट करते हैं छोटे भाई बहन को। बट गाइस अच्छे तो वो लोग भी थे जो छोड़ के गए हैं बिन वजह मेरे को, मेरे बुरे टाइम में। बट कोई बात नहीं, अच्छा टाइम नहीं लोगों का टिकता, तो मेरा बुरा टाइम तब तक टिकेगा, सब ठीक हो जाएगा एक दिन। और भाई यहाँ पे हो रही है पूजा होलिका की, फिर इसको रात को दहन भी करना है। एंड आप लोग एक चीज़ और देखो, ये गली गुब्बारों से सजा रखी है, बहुत ही कम लगा रखे, और मैं यहाँ पे हाथ जोड़ते हुए शर्मा के जोड़ रहा हूँ हाथ भी, और रंग भी लगाओ, माँ के भी ला पैसे पहले फंड जगह भी छोड़ रखी माँ। ये सही हुआ, गली के बाहर ही लगा दी भाई होली का, वरना वहां जाना पड़ता बाहर है, वहां पे ये है पानी का लोटा, क्या कर रही है, वहां पे जाना पड़ता बाग में, इतनी दूर, मतलब इतनी दूर, थोड़ा सा दूर भी है, ये सही है, गली के पास में ही छोटी सी लगाई है, पिछली बार तो आग लगी थी। ये देखो पूरी बारात जा रही है, लोटा दिखाई जा रही है बार बार, आज देखो दादी फोटो खिंचवा रही है, ऐसी होता है कुछ ना कुछ हो ही जाता है, देख लो। तो गाइस यहाँ पे मैंने टीवी ला के रख दिया है, और देखो यहाँ पे लोग देखने के लिए बैठे हुए भाई सारे के सारे, देख लो।
ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं ऊपर आ चुका हूँ और भाई यहाँ पे चल रही है चाय और देखो मैं टीवी भी ले आया हूँ क्योंकि भाई नीचे ना बिल्कुल, अरे चुप हो जाओ यार एक बार, क्योंकि नीचे बिल्कुल भी भाई नेट वाईफाई चल नहीं रहा था बिल्कुल भी, ठीक है, तो इसलिए ऊपर ले आया। बड़ी मुश्किल से मैंने सभी को वीडियो दिखाई है भाई, नहीं तो ऐसा बुरी क्वालिटी आ रही थी ना और बीच में अटक रही थी, और आपको तो पता ही है जब बीच में वीडियो अटकती है और जब हम कुछ बोलते हैं तो कितना बुरा मुंह आता है। भाई मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा ना हो कि तुम्हारा नेट अटक जाए और मेरा मुंह ऐसा ऐसा रह जाए, ऐसा या टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी हो। तो भाई अभी मैं गली के बाहर हूँ और देख लो सभी आने लग रहे हैं, मतलब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं गली में से निकल निकल के होली का दहन देखने के लिए। तो अब होली का दहन होगी और ये देखो गाइज होने लग रही है होली का दहन। और गाइज मैं तो गली के अंदर आ गया और बाहर अंदर से देख रहा हूँ बाहर भाई कैसे चल रही है होली का, और यहाँ पे भाई गली में धुआं ही धुआं हो गया और उस साइड भी देख लो होली का चल रही है छोटी सी। तो गाइज अभी होली का दहन हो चुकी है, रात के अभी 12:30 बज रहे हैं, तो भाई अब हमें उठना है 3 बजे रात को, मतलब अभी 1-2 घंटे ही सो पाएंगे, बिकॉज रीज़न है बहुत बड़ा, आप लोग ब्लॉग में बने रहना आपको पता चलेगा कि भाई क्या रीज़न है। हम जा रहे हैं कहीं पे, बट आपको जाके पता चलेगा हम कि कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि कुल मिलाकर हम होली पे यहाँ नहीं रहेंगे, जैसे हमेशा होते हैं ना होली पे यहाँ पे होली खेलते हैं, तो वो सीन मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा कि यहाँ पे कैसे होली खेलते हैं, मज़ा आता है यार, अलग ही वो आती है फीलिंग, बट मैं नहीं खेलता इतना होली, मैं यहीं से खड़ा होकर बस देखता हूँ। चलो बात ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, सुबह मिलते हैं अब 3 बजे, ठीक है, जब चलेंगे जब, बाय गुड नाइट। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं उठ चुका हूँ, आप मेरी आवाज़ से बेजान रहोगे, और भाई 3 बजे उठाऊँ, एकदम करेक्ट 3 बजे उठाऊँ, देख लो तुम्हारे भाई का कमाल। ऐसे ही अगर मेरे को पता हो ना कि भाई इतने बजे उठना है और जाना है तो उठ जाता हूँ, बस बात ख़त्म, अपने आप आँख खुल जाती है ऑटोमेटिकली। भाई गली में ना शांति हुई पड़ी है और बस हमारी फैमिली उठी पड़ी है बस। चलो रेडी होते यार ट्रिप के लिए, थोड़ा सा तो इंट मिल ही गया तुम लोगों। ओके तो गाइस अभी मैं हो गया रेडी, और गाइस यहाँ बन रहा है चूरमा जो कि प्रसाद है और चढ़ेगा वहां पे देखो। तो गाइस हैशटैग टी, यहाँ पे टी चल रही है। तो गाइस हैशटैग बिस्किट, यहाँ पे बिस्किट रखे हैं। तो गाइस हैशटैग बिस्किट खुल चुके हैं, अब हम खा रहे हैं, उठाया भिगोया और सबसे पहले आपको बाद में मैं। गाइस कमेंट करके बताना चूरमा किस किस को पसंद है, भाई मेरे को तो मस्त लगता है, पर पेट भरने के लिए नहीं, प्रसाद के उस पे भाई बहुत मस्त लगता है भाई, ऊपर से माँ के हाथों का जादू वो अलग से। तो गाइस अभी भाई कितना टाइम हो रहा है, 5:30 बज गए और अंधेरा अंधेरा हो रहा है पूरे NSP में, NSP में खड़े हुए हैं हम चारों, चाचा है, मनीष है और मतलब अलग नाम है वो बोलूंगा नहीं, फैमिली में लोग हैं आंसू है भाई, बस आ गई देख लो सामने, अब जाएंगे हम इसमें, ठीक है, रात नहीं नहीं अभी नहीं बताना भाई, लीक नहीं करना, पहले अच्छे से वो करना है, मतलब फिर चल के आपको दिखाएंगे वहीं पे। बस आ गई भाई, बहुत बड़ी बस है, पर सामान वामान रखते हैं, चलो भाई रखो सामान। तो गाइस लो बस का टूर देता हूँ आपको, देखो भाई ये रही बस पूरी, ऐसी कुछ बस है अंदर से, ठीक है भाई अब चलेंगे थोड़ी देर में, सब आने वाले हैं रेडी हो रहे थे, चलो भाई चलते हैं। और भाई लग गई, एंड गाइस सभी तैयार होके नीचे गली में आ चुके हैं और अब जा रहे हैं हम बस में बैठने। बोल साचे दरबार की। तो गाइस चल पड़ी है बस, ठीक है भाई सभी मतलब मस्त हुए पड़े, और ये देखो भाई अभी तो है अलग ही रील में लगे पड़े भाई, और ये सलमान खान भाई अलग ही, और देखो भाई बाहर अभी भी अंधेरा सा हो रखा है पूरे में, ये देखो बैठो देख, हेलो गाइस बोल दे, हेलो गाइस बोल दे, देख यहाँ पे देख, ओए देख जल्दी जल्दी देख यहाँ पे बोल हेलो गाइस। हेलो बोलो मम्मी ताई, हेलो तो कर दे, हेलो करो दोनों, उसको भी हेलो करो, माँ हेलो करो, हेलो ऐसे कर दो हेलो गाइस कर दे, हेलो करते जल्दी जल्दी हेलो गाइस
जल्दी बोल हेलो गाइस, बोल दे गाइस को हेलो, जल्दी बोल। ये गंदा बच्चा गाइस, इनसे मिलो, ये है कजन ब्रदर, हेलो कर दो भाई। ये क्या होता है, हेलो ऐसे करते भाई। गाइस ये देखो, यहाँ पे सारे बैठे हुए बस में, सभी बैठे हो और धीरे धीरे लोग आने लग रहे हैं। और गाइस मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, चलो भाई बस में। ऋतिक क्या हाल है, ठीक है? हेलो क्या हाल है, ठीक है? जस्सी पहलवान, आजकल व्लॉग शूट, हां व्लॉग चैनल आ गए, कितने कितने चैनल आ गए, कितने सब्सक्राइबर, 250 250 सब्सक्राइबर है भाई। और ओए क्या कर रहा है, क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है? हेलो भैया, और ब्रो कैसे हो? बढ़िया। तो चलो गाइस सभी यहाँ पे आके बैठ चुके हैं अपनी अपनी जगह घेर के, ताकि सफ़र का मज़ा लेने में अलग ही मज़ा आए। तो भाई चलो सफ़र का मज़ा लेते हैं, एंड आप लोग वीडियो के मज़े लो, मैं सफ़र के मज़े लेता हूँ। माँ गीत वीत गा लो। गा लो गीत वीत उठा लो कोई। सारे पीछे चले, यहाँ कौन बैठे, यहाँ कौन बैठे, यहाँ बैठ जाते, या तो बैठ जाते। जगो जगो सुबह हो गई, जल्दी से ले लो चाय, ठंडी हो गई। सूर्य उदय हो चुका है, गुड मॉर्निंग सभी। दिमाग खराब है भाई, गुड मॉर्निंग तो हमारा रात को ही हो गया था, रात को ही उठ गया था, है ना? चलो उठा था साढ़े बारह बजे, 11:30 उठा, सर उठा हुआ है, कोई नहीं सोया, एक्साइटमेंट के मारे भाई, सबको सबको इस पल का बेसब्री से इंतजार था कि भाई सब मिलेंगे, सब जाएंगे साथ में, अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे। यार मैंने तो बोल दिया, पता नहीं चलाया नहीं चलाया, गाने चलवा रहे भाई बच्चे, देख लो। हेलो गाइस कर दो, हेलो गाइस करो, गाइस करना नहीं होता, गाइस होते हैं, गाइस उनको कहा जाता है तो एक से ज्यादा लोग होते हैं। गाइस यहाँ पे चल रहे गीत जिसमें कि मैं भी सुर लगा रहा हूँ, है घूमता फिरता घूमे जा रहा है, क्या बता दीजिए, क्या कह रहे हैं, पटाखे सी, क्या क्या लगाऊं, बता दीजिए कैसे लगाऊं, बता दीजिए लगा, पहले हेलो गाइस बोल दे, हेलो गाइस बोल, पहले पहले हेलो गाइस बोल, पहले हेलो गाइस, पहले बोल, पहले तभी दिखाऊंगा, तभी दिखाऊंगा, क्या बोल रहे भैया, बोलो बोलो, कौन सी क्लास में हो गया, फोर्थ में, मेरी वीडियो देखता है, वीडियो देख भाई, मुंह पे बेइज्जती मार दी तुम्हारे भाई के, देख लो मुंह पे बेइज्जती मार दी, कह रहे हैं मैं नहीं देखूंगा व्लॉग कभी भी जिंदगी में, कभी भी नहीं देखूंगा। हाँ। सही है, तरक्की कर रहे हो, तरक्की कर रहे हो, नहीं पता।
चैनल का नाम नहीं पता, ऐसा हो सकता है। गाइस इससे मिलो सन्नी से, ये भी कजन ब्रदर है। एक बार सारे हेलो कर दो। मैं तो बनाता रहता हूँ। अच्छा निकल गया जब कर रहे हो। हेलो कर दो, आप क्या आ रहे हो? आप सब आ रहे हो? गाइस अभी बस रुक गई है क्योंकि कुछ गिर गया है भाई निकल के, और हम देखो कहाँ पे खड़े हुए हैं, बीच में बस बस बीच में रुकी हुई है। ये देखो पहली पहली बार तुझसे मिले नैना, नींद नहीं आवे नहीं मिले चैना, पूरी रात करे बात जैसे तोता मैना, कहूँ और जैसे मोर ना छोरा गुजर का प्यार। तो गाइस अभी हम रुके हैं भाई चाय वाय पीने के लिए, ठीक है चाय पीते हैं फिर चलते हैं। ये हमारे हेमू चाचा हैं, इनसे मिलो, सिंगर है भाई। बैठ गया भाई बैठ गया। तो गाइस अभी यहाँ पे रुके हैं भाई, बैठ के चाय नाश्ता करेंगे अब। हेलो टू, कैसे बैठ गया तू यहाँ पे आके अपने आप ही? क्या खाएगा क्या खाएगा? कौन जा रहा है कहाँ पे? वहाँ कहीं नहीं जा रहे। और गाइस ये देखो पूरी की पूरी फैमिली इधर बैठी हुई है भाई, पूरा ढाबा घेर के ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद ही हम जाएंगे अब। गाइस ये देखो भाई, कभी कभी तो मैं इतना बोलता हूँ कि बस नाम ही नहीं लेता रुकने का, और अब देखो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ सभी के सामने, बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभार। गाइस यार किसी किसी का फोटो शूट चल रहा है तो कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब यहाँ पे भाई खड़े हुए हैं लोग, अभी बैठेंगे बस में फिर जाएंगे। अब एक दो घंटे का रास्ता रह गया बस यहाँ से जाने का। कोई नहीं, अब आए हैं तो अब याद रख लेंगे। अब भाई यहाँ पे पूजा वूजा होगी और सभी इंजॉय करेंगे। आपको दिखाऊंगा मैं, सब कुछ दिखाऊंगा, ठीक है। और गाइस हम आए हैं नांगल राजस्थान, जो अलवर के पास पड़ता है, अलवर के पास। यहाँ वो भी रहता है शायद मिस्टर क्रेजी एक्स वाई जेड और मिस्टर इंडिया नगर आस पास कहीं। और गाइस चलो मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ। देखो यहाँ से गेट की एंट्री है, बट ये घर तो अभी कुछ सालों पहले ही बना है, पहले ये लोग। और हाँ मंदिर यही है, ठीक है, जहाँ पे हम पहले आए थे मंदिर में पूजा करने के लिए। तो भाई ये लोग जिनके घर पे हम आए हैं ना, ये लोग पहले गली में रहते थे अंदर, और वहाँ पे भी बहुत बड़ा घर था इनका। बट अब इन्होंने कुछ साल पहले इन्होंने बाहर घर ले लिया, ठीक है। तो इसलिए हम बाहर ही है, मतलब बाहर वाले घर में। और घर देखो भाई कितना बड़ा है, मतलब मस्त है यार, सही है। मतलब यार यही है कि गाँव वगैरह में ज़्यादा ज़मीन होती है बड़ी, और कम लोग रहते हैं एक ही घर में। और भाई हमारे शहरों में देख लो जरा से घर में इतने सारे लोग रहते हैं। हाँ ले लेंगे। तो गाइस सब सभी इधर अपना अपना अलग अलग इंजॉय करने लग रहे हैं, और बाहर सभी बच्चे हैं। और यहाँ पे देखो जेंट्स वगैरह, इनकी अलग ही पंचायत जुड़ रही है, मतलब बातचीत होगी कुछ जरूरी।
और यहाँ पे सब लेडीज बैठेंगी। चलो गाइस आपको अंदर से घर दिखाता हूँ। हाँ भाई आते ही शैतानी शुरू होती है बेटे। अब तेरी वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, यूट्यूब पे डायरेक्ट भाई, ये मत सोचो कि नहीं डालूँगा। और गाइस ये देखो यार रूम कितने प्यारे लग रहे थे, और ये देखो यहाँ से सीढ़ियों पर जाने के लिए, और यहाँ पे मैं हूँ जो घर देख के जा रहा हूँ बस। There is only the one chance. And see to this. Can you speak Hindi? Now. Chal, Angrezi. Hindi. Hindustani. Hindustani bhao hai. Apun Hindustani bhao hai bro. Sun to le. Jota ja aapko. Oye, just sit down. Yahan pe. Vidhar to ab koi nahi aata. Isko khol. Khol isko, isko. Khol. But khana mein koi. Ek lena hai. Karwa li besti. वाह बेटा वाह, आजकल के बच्चे देख लो कैसे तेज हो रहे हैं भाई, जरा जरा से। कोई नहीं गाइस, इधर ना मैं वीडियो बनाने के लिए सही हुआ है घर, वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो बन सकती है यहाँ पे, एक नंबर की बहुत सारी है। तो भाई ये है, अब मैं तो देखो छोटे छोटे कमरे में बनाता हूँ वीडियो, तो अजीब सा लगता है, बट ऐसे बड़े घर में बनाने में ना मतलब अलग ही मजा है, बहुत मस्त है यार, बहुत मस्त है। और गाइस इधर की छत देखो भाई कितनी बड़ी, ओ भाई ओ ये क्या बादल हुआ पड़ा है, और ये क्या जा रहा है भाई रॉकेट सा, भाई जो भी कह लो मजा आ रहा है यार, इधर का वेदर ही अलग ही लग रहा है, खतरनाक भाई। और वहाँ देखो सामने पहाड़ है, बहुत बड़ा है, फोन में तो छोटा दिख रहा है, बट यार जो यहाँ पे मजा आ रहा है ना कसम से, जो वाइब आ रही है राजस्थान में अलग ही लेवल की है भाई, वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता अपने उसमें, तुम्हें मतलब अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता भाई, मजा आ रहा है। छत इतनी बढ़िया ना यार, यहाँ पे पार्टी भी हो सकती है कोई मजे से भाई। और वो देखो सब नीचे बैठे हुए हैं, इतने मोटे ना इस छत पर बस दो ही लोग, इनके जैसे दो ही लोग आ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? हेलो गाइस, हेलो, प्लीज आई वुड लाइक टू से दैट आई एम इन वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। और गाइस इससे मिलो, ये है मानवी भाई, ये तो बोल ही नहीं, ये तो देख रही है भाई, घूर के देख रही है। हेलो युगल, सॉरी युगल नहीं, क्या नाम है, युग। हाँ जी हाँ, तू ब्यूटी, द मोस्ट ब्यूटीफुल। तो चलो गाइस नीचे चलते हैं भाई, मस्त है यार घर तो। तो गाइस अभी पूजा के लिए जा रहे हैं सभी लोग, और यहाँ पे खड़े हो गए हैं, और सभी का चल रहा है गाइस फोटो शूट, ताकि भाई आने वाले टाइम में हम इन फोटोज को देखकर इन पलों को याद कर सके कि भाई ऐसे ऐसे गए थे सब लोग, ऐसे थे साथ में, और ऐसे ऐसे मतलब सब कुछ याद रह सके, इसलिए मैं व्लॉग भी कर रहा हूँ कि भाई हमेशा ज़िंदगी मतलब हमेशा हमेशा के लिए यूट्यूब पे वीडियो डल जाए तो यार हम कभी भी देख सकते हैं, और कभी भी मतलब हमारी आने वाली जनरेशन भी देख सकती है इस वीडियो को, तो मतलब अच्छा लगता है यार ऐसे वीडियोज़ बना बना के डाल दो यूट्यूब पे और यादगार पल रह जाए, है ना। मैं तो चाहता हूँ कि मेरी बचपन की भी वीडियो होती, लेकिन यार इनमें से कोई किसी ने भी नहीं बना के डाल रखा, तो यार बुरा लगता है यार, दिल बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो गाइस अभी वो सामने वाले मंदिर में जा रहे हैं पूजा करने के लिए, बट यार ये नहीं था यार ये आला, वो दूर ही था इधर से, पता नहीं यार क्यों इधर आ रहे हैं। देख लो भाई ये आईफोन से शूट हो रहा है, ये देखो, और ये वीवो से शूट हो रहा है भाई, देख लो भाई, लेकिन इसकी क्वालिटी देखो भाई अलग ही है भाई क्वालिटी इसकी, मेरे फ़ोन में तो अजीब ही है, अजीब ही लग रहा है, फटी फटी सी क्वालिटी आ रही है, देख लो। जहर है भाई, तो गाइस यहाँ पे आ गए हैं सभी, और स्कूल की बस जा रही है, बच्चे देख रहे हैं भाई स्कूल की बस में, देख गए भाई। चलो तो भाई एंटर हो गए हैं मंदिर में, और यहाँ पे बजा देते हैं घंटा, दोनों हाथ में फोन है भाई, टिंग, यहाँ पे उतार देते हैं भाई जूते। अरे यार दो दो फोन हाथ में पकड़ रखे भाई साहब,
यार चलो जूते उतार दिए, अब चलते हैं। यहाँ आ गई यार, एक चीज हमने मिस कर दिया, हम होली नहीं खेल पाए यार, क्योंकि अगर घर होते ना दिल्ली में अपने तो वहाँ पे होली खेलते, बट यहाँ पे होली नहीं खेल पाया यार, मिस कर दिया वो हमने। एंड गाइस अभी हम यहाँ पे सब पूजा करने में लगे हुए हैं, माथा टेकने में लगे हुए हैं, तो सब यहाँ पे हैं अभी। और भाई तुम्हारा भाई यहाँ पे खड़ा हो गया, बस वीडियो ही बनाया जा रहा है सभी की, देख लो भाई, एक तरह से मेरी ड्यूटी सही है। एंड गाइस यहाँ पे हो रही है पूजा, और ये थोड़ा अंदर जाके है, और यही है नांगल वाले बाबा जो अंदर जिनकी मूर्ति लगी हुई है, और यहाँ पे देखो सब प्रसाद खा रहे खड़े होके। और गाइस मुझे भी उतना ही पता है जितना मुझे बताया गया है, ठीक है, मैं कोई परफेक्ट वो नहीं हूँ कि मैं तुम सबको सब कुछ बता सकूँ, ठीक है। गाइस ये देखो, ये लोगों ने निकाली है मिट्टी, ये देखो कितना गहरा है भाई, बहुत गहरा है, 50 फीट से भी गहरा है लग रहा है मेरे को, बहुत ज्यादा गहरा है गाइस। अरे कोई नहीं, होती रहती है जुराब। घर भी बनते हैं, फोन निकाल, इधर घर भी बनते पता है, छोटे छोटे अपनी मन्नत से मांगे। भाई क्या मौसम हो रहा है, बादल गिर रहे आ जाए बादल। गाइस ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार पहाड़ दूर से, इतना जहर सीन लग रहा है ना, मतलब चारों तरफ इतना खतरनाक लग रहा है, इसमें हमारा घर होना चाहिए यहाँ पे, एक दो दिन के लिए रहने आने चाहिए हम भाई, मतलब फोन में तो ऐसे ही लगेगा नॉर्मल सा देखने में, या टीवी में देखने में नॉर्मल सा लगेगा, ऐसी है भाई, अगर धूप जो आंखों से देख सकते हैं ना वो किसी और चीज से नहीं दिखा सकते भाई, निकल ली होती ना भी तो मजा नहीं आता इतना जितना आ रहा है, हवा चल रही है, चाहे उसमें 4K 8K क्यों ना हो, चुभ रहे हैं कांटे वो भाई, कितना गहरा है, पानी कितना भरा हुआ है, मतलब यहाँ से लोग ही निकालते हैं मिट्टी, जो यहाँ पे आते हैं ना, मतलब एक तरह से सेवा है, मिट्टी निकाल के वहाँ डालना, ऐसा ही सीन है। अब हम भी मिट्टी निकालेंगे और डालेंगे भाई साहब, ये देखो हम वहाँ से आए हैं चल के, वहाँ से दूर से भाई सभी आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं भाई, देख अब तो भाई सभी आने लग गए, देखो ये देखो, ये देखो भाई यहाँ पे सौरभ चाचा भी ले आए, ये सौरभ चाचा भी मिट्टी ले जा रहे हैं, ये देखो ताऊ सब ले जा रहे हैं मिट्टी, ये एक तरह से सेवा है। तो जब कोई कुछ कर रहा है तो उसको वो मत करेगा, अब देखो मैं भी, चलो मैं भी उठा लेता हूँ भाई मिट्टी उठाई, ये लो भाई सभी ले जा रहे हैं, फोन गंदा हो गया भाई मिट्टी के चक्कर में पूरा, ये बच्चे लोग यहाँ पे सभी ले जा रहे हैं, सभी दादी भी ले जाएगी, चाची भी आएगी लेने, भैया आपने नहीं ली मिट्टी, देखो बच्चे भी आ गए, सभी आ रहे हैं मिट्टी ले जाने के लिए भाई, बादल देखो एक नंबर का, क्या मस्त हुआ पड़ा यार, बारिश का मौसम होने लग रहा है, शांति इधर भाई साहब, लो भाई चाचा भी ले जा रहे हैं, फूफा भी आ गए, अंजलि तू नहीं ले जा रही, ये देखो ये भी ले जा रहा है, ये भी ले जा रहा है, चाचा भी आ गए, सभी आ गए भाई, मम्मी कहाँ है, मम्मी नहीं आई क्या, अभी तो आने लग रहे और भी, चलो आ रही है वैसे तो, ये हमेशा लेट ही होते हैं, हमेशा लेट आते हैं, हमेशा कभी पीछे खड़े रहेंगे या पता नहीं क्या यार, आज भी तेरी मम्मी लेट हुई थी सुबह और सबसे जल्दी उठे थे हम, हाँ उठ गए हो गए लेकिन लेट हो जाते, ये इसकी वजह से हुए थे, नैना रसिदा की वजह से, उठते के साथ ही बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे, मैं तो जल्दी 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 जो करना था वो कर लिया, भाई एक्साइटमेंट होती है ऐसी जैसी जगह जाने की और आने की, घूमने की बात अलग है, साल में कभी कभार मौका मिलता है भाई घूमने का है ना, फिर उस दिन भी लेट जाए तो फिर फायदा ही क्या। आ गए आप लोग, हाँ भाई ओए देख ऐसे मिट्टी लानी है लड्डू, देख लड्डू लड्डू अब देख तो ले मेरी बेइज्जती करा रहा है, ऐसे मिट्टी लानी है, देख देख इतनी सारी मिट्टी, देख मिट्टी देख, जा लेके वहां से नीचे से जाके,
भाई एक कुत्ता क्या देख रहा है भाई इधर ना, मतलब हॉन्टेड वाली वीडियो मस्त बनेगी यार, मतलब जैसे होता नहीं है लोग हॉन्टेड वीडियो बनाते हैं भाई, मस्त लगेगी यार। होली का व्लॉग तो लगी ना, होली का व्लॉग है मतलब कुछ और ही लग रहा है, तो जैसे कहीं घूमने उमने जाते हैं तब बना लेते हैं, ऐसा ही व्लॉग लग रहा है भाई। होली अगर होली का होता तो रंगों वाली खेलते, होली खेली नहीं यार हमने होली। और अब यहाँ पे डाल देनी है, ये डालनी है चाचा, ये डाल दी बस भाई, हाथ गंदे हो गए पूरे, कपड़ों की हालत भी खराब हो गई। डाल दी भाई, भाई अलग ही सीन था नीचे का। अभी देखो मैं ऊपर से दिखाता हूँ कि कितने लोग नीचे हैं, रुको ये देखो गाइस वो रहे, आपको देखो गाइस वो रहे सब अब पहुँचे वो, और हम यहाँ से घूम घाम के यहाँ से आके ले आए, और यहाँ पे सभी खड़े हैं। ये देखो भाई गहरा, देखो कितना भाई गहरा, भाई बहुत गहरा है यार। वो तो बस फोन और टीवी में लगेगा कि सिंपल है नॉर्मल है बस, मैं जानता हूँ भाई बहुत गहरा है भाई। देख लो ऐसे होते हैं कुछ रीति रिवाज, ठीक है अब अपने अपने अलग अलग होते हैं। और यहाँ पे ये हमारे मतलब जो जिनको हम पूजा जिनके हम पूजा करने आए हैं वो है हमारे बाबा के परदादा के परदादा, ऐसी है कुछ तो मतलब बहुत दूर की लंबी चौड़ी कहानी है, ऐसी होता है बस, इसलिए इनकी पूजा करने आए हैं। कैसा लग रहा है मम्मी यहाँ पे है, कैसा लग रहा है मम्मी? मम्मी का तो भाई बहुत मूड खराब हो जाता है हर जगह, पता नहीं अपने आप ही। ए मिट्टी चल 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 चल, लड्डू नहीं 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 मिट्टी मत पे आ, नहीं लड्डू नहीं यार, बच्चों की अलग ही अपनी हरकत है भाई। दबे भाई वेदर देखो यार। तो गाइस अभी जाने का टाइम आ गया भाई, सभी बस में बैठ गए हैं, और मौसम भी बिगड़ता जा रहा है भाई, खतरनाक वाला मौसम बिगड़ रहा है, बारिश होने वाली है ये देखो। देख रहे हो तो भाई सभी बस में बैठ गए हैं अपना आराम से, और यहाँ पे सामान वामान आने लग रहे हैं, यहाँ पे खड़ी है। चलो भाई अब निकलने वाले हैं बस, अब हम जाएंगे कहीं और, यहाँ पे काम था जो वो हो गया, ठीक है चलो। अबे यार क्या मौसम हो रहा है यार, एक बार देखो यार, रियलाइज करो कि तुम यहाँ पे हो, तुम ये कहोगे कि यार क्या दिखाया जा रहा है, लेकिन एक बार रियलाइज करो तुम यहाँ हो भाई। हवा एक नंबर की हवा चल रही है, जिसे कहते हैं ना मस्त वाली, एक नंबर की हवा चल रही है, एक नंबर की बस जा रही है, बस में से भी लोग देख रहे थे कौन है ये, कहाँ से आया है ये कोई नहीं कभी तो मिल ही जाएंगे भाई, मतलब वीडियो आएगी ट्रेंडिंग में, कभी तो आएगी पक्का आएगी, देख लेना। मस्त हवा चल रही है भाई, और जो इधर का व्यू आ रहा है ना ठंडे मौसम में, मज़ा आ रहा है कसम से, मज़ा आ गया। अब पता नहीं देखो भाई कब आएंगे कब नहीं, ऐसी ऐसी जगह पे कब घूमने जाएंगे कब नहीं। लोगों ने बोला इन रास्तों पे जाना नहीं, खाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं, देखो जमाना में पुराना हूँ मुसाफिर, जिंदगी ऐसे कैसे कल का ठिकाना नहीं। बारिश आ गई चलो भाई बस में, चलो भाई बारिश आ गई, चलो आ जाओ, बारिश आ गई भाई देखो ये देखो। जिससे खुद को पानी सा मैं बहना चाहूँ, डरता ना लहरों से मैं बादलों में रहना चाहूँ, छूलूं मैं आसमां सितारों से ये कहना चाहूँ, तुझको ये है ना पता, मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह, मैं हूँ वो मुसाफिर चलता रहे, जब चाहे रोके डोके मुझे कोई भी यहाँ। तो गाइस अभी हम पहुंचे हैं अपने गांव हरियाणा रिवाड़ी, जो दादी हर का गाँव था मेरी, तो अभी हम वहीं जा रहे हैं, देखो दादी भी है आगे। और गाइस हम यहाँ पे बड़े ही सालों बाद आए हैं भाई, ये दादियर का गांव है, और देखो सभी चले जा रहे हैं, व्हाट्सएप पे नहीं आती है, मतलब सही है यार, ऐसा होना चाहिए कि भाई गांव और भी जाते रहना चाहिए, तभी तो कुछ याद होता है और कुछ सीखने को मिलता है बहुत।
और गाइस देखो जब मैं आया था ना, ये जो घर दिख रहा है ना आपको सामने वाइट वाला भाई, ये पहले ना मतलब जब मैं आया था भाई पूरा कूड़ा कबाड़ा था, मतलब ऐसी गिरा पिरा, मतलब ऐसी था, मतलब कुछ भी नहीं था। और अब देखो भाई कितना बढ़िया बनवा दिया है जिनका घर है ये, तो देख लो यार इतने मस्त लग रहा है ना। सही है, यहाँ पे कभी आओ तो यहाँ रुक जाओ, सही है यार। और यहाँ पे सभी बैठे हुए देख लो, मतलब सभी अपना चिल कर रहे हैं यार, बैठ के थके आ रहे हैं सब, तो भाई बैठ के अब इंजॉय करेंगे ये सब। यहाँ पे मम्मी वगैरह सभी बैठे हुए हैं, बुआ वगैरह, दादी वगैरह सब बैठे हुए हैं, सब एक साथ। और जब साथ में होते हैं ना सब तो यार बहुत अच्छा लगता है यार, क्योंकि बहुत टाइम बाद तो मिलने को मिलता ही है ना, तो फिर इसलिए बहुत अच्छा लगता है। देख लो ये देखो यहाँ पे भी सब बैठे हुए हैं, सही है यार, रूम भी अच्छे बना रखे। और मैं यहाँ पे भाई चाय वाय पी रहा हूँ, सभी खड़े हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चल रहा है भाई लेडीज़ों का गीत, ये तो भाई सबसे मेन है, हर जगह मेन ही है ये तो, लेडीज़ों के लिए मेन है भाई ये तो, मतलब सही है यार, इनका भी अपना ही अलग वो है। बाय 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 बाय। तो चलो भाई यहाँ पे भी सबको बाय बाय कहने का समय आ गया है, क्योंकि हम जा रहे हैं ना यार इसलिए। और अब पता नहीं भाई कब आना होगा इधर, क्योंकि बहुत अच्छा लगा मुझे तो। अब चलते हैं गाइस घर पे, गाइस रुके हैं लंच करने के लिए, सॉरी लंच नहीं डिनर, सॉरी क्या हो रहा है अभी। गाइस रुके हम यहाँ पे डिनर करने के लिए, तो चलो चलते हैं। और गाइस देखो कितना मस्त लग रहा है यार ये हाईवे पे, ये बीच में रोड पे भाई देख लो, मन्नत पहुंच गए, मन्नत और जन्नत, मन्नत शाहरुख खान का घर। तो चलो गाइस अभी खाना पीना हो चुका है भाई, बढ़िया मस्त तरीके से एकदम, बहुत अच्छा खाना था और पेट भर के खा लिया। अब चलते हैं घर की तरफ, ठीक है, घर चल के मिलते हैं अब सीधा, बाय। कहाँ जा रहा है भाई, कहाँ जा रहा है, ढीला होने शाहरुख खान के घर आ गए, मन्नत 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 शाहरुख खान के घर में वो भी इस टाइम। ये देखो ये बच्चा कहाँ घूम रहा है, ये बच्चा कहाँ घूम रहा है, ओ भाई डर के भाग गया। ये देखो गाइस ये लिखा हुआ मन्नत, बट ये शाहरुख खान का घर नहीं है। हाँ भाई कहाँ घूम रहा है, 50 रुपये कहाँ से मिले। तो गाइस अभी टाइम देखो भाई कितना हो रहा है, 1:30 बज रहे रात के, और आंखों से आपको पता चल रहा होगा कि मतलब कितनी नींद आई कितनी नहीं, बस लेट जाऊं ऐसा मन कर रहा है बस। मैंने सोचा यार ब्लॉग को एंड कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं गाइस हम पहुंच गए सेफली। आपको ब्लॉग पसंद आया तो पता ही है आपको क्या करना है, बाकी बाय, गुड नाइट, बाय, ख्याल रखना अपना, बाय।